बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वन। स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारी जो वर्ल्ड कप में हम कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं और रोज़ाना करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक फ़ाइनल का फ़ैसला नहीं हो जाता। और फ़ाइनल का फ़ैसला आप सबकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह करे के हो, और यहाँ तक आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान की टीम पहुँच चुकी है कि फ़ाइनल खेलेगी अब इतवार के रोज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़। कल इंग्लैंड ने इंडिया को आउट क्लास किया, 10 विकेटों से शिकस्त दी इंडियन टीम को, और एलेक्स हेल्स और बटर की पार्टनरशिप ने ही वो टारगेट पूरा कर लिया जो इंडिया की टीम ने दिया था, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा फ़ाइनल के लिए पाकिस्तान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस सेशन भी किया, और रमीज़ हसन राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो ICC की इंगेजमेंट की वजह से ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो भी टीम से मिले और उन्होंने भी एक हल्का छोटा सा एक लेक्चर दिया टीम को। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है या क्या उन्होंने बातें की होंगी, ये भी हम अंदाज़ा लगाएंगे। और हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं जो इस पर तफसील से बात करेंगे। हारून रशीद साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक कोच एंड व्हाट नॉट। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, अल्लाह का बहुत शुक्र। चले, और दूसरे हमारे एनालिस्ट हैं, बड़े सूटेड बूटेड आज बैठे हैं, बदीउज़्ज़मान। इनकी जिम्मेदारियाँ, एक तो क्रिकेट एनालिस्ट तो यहाँ पर हैं, लेकिन क्रिकेट के जितने भी सारी असाइनमेंट होती हैं स्पोर्ट्स की, वो भी यही देखते हैं। इनके कंधों पर बहुत बोझ है, इनको यहाँ से फ़ौरन उठ के एक असाइनमेंट पर भी जाना है। बदीउज़्ज़मान साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? खैरियत से, ठीक ठाक। ठीक ठाक बस, अब तो ठीक हो जाएंगे 13 तारीख को। यार आपकी तो, आपने तो जो चाहा था वो हो गया। बिल्कुल हुआ यार, मतलब देखो मैंने कहा था इंग्लैंड, कल मैंने क्या आपको कहा था कि 160 रन का अदब हुआ तो इंग्लैंड आराम से बना लेगा। नहीं नहीं, आपने, आपकी ख्वाहिश तो हमेशा यही रही है ना कि पाकिस्तान अच्छा करे। अब एक मैं कल विक्रम गुप्ता को सुन रहा था, उसने कहा कि इंटेंट वाली कोशिश भी होती है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, उसने कहा कि इंटेंट के माने कोशिश भी होती है। तो हमारी, उसने कहा कि भारतीय टीम ने कोशिश ही नहीं की जीतने की, तो बहुत सारी बातें होती है। मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से, गुप्ता साहब जो है एक अच्छे एनालिस्ट हैं भारत, देखिए एक बात है कि बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से तजिया करते हैं। कल वो गवास्कर से बात कर रहे थे तो वहाँ मैंने उनको सुना, तो यह है कि वो जो जो बातें की, और वाकई ये फैक्ट है कि इंडियन टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, और जो तनकीद की आप बात करें, देखिए हम तनकीद उस वक्त करते हैं कि जब टीम बुरा खेलती है। हमारी तनकीद का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेले, जीते, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते। जब हारती है तो जाहिर है कि आपको दुख होता है, दुख होता है। तो इनका इंटेंट भी ठीक है। आपका जो तजिया है, माशाल्लाह आप हमारे साथ पूरा महीना हो गया आपको, आपका तजिया की बड़ी तारीफ भी मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कॉन्ट्रीब्यूशन न्यूज़ वन का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और हमने बहुत ही अच्छा आई थिंक ये प्रोग्राम्स होते रहे, और जो जो बातें हम टेक्निकली और टेक्टिकली जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया। आई थिंक इसमें जो भी बदी एक बात कर रहे थे, इनफैक्ट हमारा जो मकसद तनकीद का होता है वो तामीरी होता है बेसिकली। इसमें कभी भी ये नहीं हो सकता कि हमारी जो जिसको आप इंटेंट और इंटेंशन कहते हैं कि हम खुदा न खास्ता किसी को रिडिक्यूल करने की बात करते हैं। हमने जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें करते रहे हैं, वो हमने कोशिश यही की है कि फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करें और स्टैट्स को सामने रखते हुए उसके मुतालिक बात करें। लेकिन इस सारी चीज़ों को देखने के बावजूद मैं ये फील करता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, और जब इस किस्म की परफॉर्मेंस देते हुए आप फाइनल में पहुँचते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना दूसरी टीम को खौफ में मुब्तला कर देती है। और अगर आप देखें तो हर कोई ये बात कर रहा है, चाहे वो नासिर हुसैन हो, चाहे रमीज़ हो, चाहे और भी जितने लोग हैं, कि जी 92 रिपीट हो रहा है। सो ऑब्वियसली 92 रिपीट तो हो रहा है, रिपीट उसी सूरत में हो कि पाकिस्तान भी जीते, वेरियज इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर ओवरऑल हम देखें तो इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर देर इज़ नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कंडीशंस डिफरेंट हैं। एडिलेड की कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट थी, सिडनी की बिल्कुल डिफरेंट थी, मेलबर्न बिल्कुल डिफरेंट है, बड़ा ग्राउंड है। पाकिस्तान का पेस अटैक, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। सो मेरे अपने नज़दीक जिस किस्म की बैटिंग इंडिया के खिलाफ की है इंग्लैंड ने, आई डोंट थिंक सो कि मेलबर्न की पिच के ऊपर वो पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बैटिंग कर सकेंगे। सो मे बी वहाँ पर जो है लो स्कोरिंग, मे बी 150 प्लस या 160 के इर्द गिर्द अगर दोनों टीमों में से कोई भी कर जाती है, क्योंकि दोनों की टीमों की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और बैटिंग अच्छी है, जो मेन जो फ़र्क डालेगा इस फाइनल में मैं ये फील करता हूँ वो फील्डिंग होगी। चले अभी तो पाकिस्तान के मैच की हम बात नहीं कर रहे, अभी तो कल जो मैच हुआ इंडिया बुरी तरह से आ रहा है, इसकी क्या वजह थी? एक तो एलेक्स हेल्स और बटलर की बैटिंग तो हटा दें आप, और कोई वजह थी इंडिया के हार की? देखिए आसिफ भाई, मुझे तो जो लगा है कि जो इंडिया ने जो दोनों पावर प्ले हैं, इंग्लैंड बैटिंग बॉलिंग, इंग्लैंड ने दोनों पावर प्ले बहुत अच्छा खेले, जो उनकी जीत की वजह थी। आप बॉलिंग में देखिए, इंग्लैंड ने 6 ओवर में जो है सिर्फ 36 रन दिए, और वहाँ उन्होंने 2 भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आउट भी कर दिया था।
तो ये चीज वो होती है कि उनके बॉलर ने अपना काम कर दिया 6 ओवर में, और फिर जब इंग्लैंड की बैटिंग आती है तो उन्होंने उस 6 ओवर का फायदा बैटिंग में भी उठाया, तो 6 ओवर में 63 रन उन्होंने कर लिए विदाउट एनी लॉस। तो वो इसमें क्या हुआ कि वो एकदम से अपर आ गए, और किसी भी मौके पर हमें ये नजर नहीं आया कि भारतीय बॉलर ने उनको परेशान किया हो। विदाउट चांसलेस इनिंग्स दोनों ने जो है खेली है, कोई ऐसा मौका भी नहीं आया कि कोई कैच हुआ हो या LBW की अपील हुई हो या कुछ तरह का रिव्यू लिया हो, बिल्कुल क्लास की उन्होंने बैटिंग किया और जहां भी चाह वहीं पे शॉट खेला। आप देखिए पहले बट्टर तेज खेल लेते, जब उन्होंने देखा कि एलेक्स हेल्स जो है वो खुल गए, उनके शॉट लग रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्लो हुए, लेकिन जब बीच के ओवर में आप देखें 10 ओवर में 105 रन उन्होंने 107 रन कर लिए थे, तो उसके बाद उन्होंने इधर उधर देखा ही नहीं। तो पहले 10 ओवर इंग्लैंड की बॉलिंग, पहले 10 ओवर इंग्लैंड की बैटिंग, मेरे ख्याल है यही जीत की बुनियाद। एक तो आप जो टेक्टिकली एक चीज का फर्क जरूर अपने जहन में रखें वो ये है कि बॉलिंग आमरी दोनों की क्या थी। इंग्लैंड के बॉलर्स यू नो टॉल बाउंस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितने टॉल थे उतने हिसाब से बाउंस करते हैं। वेयर एज अगर आप इंडिया को देखेंगे, इंडिया की जो बॉलिंग है वो आगे पिच करने वाली बॉलिंग की उन्होंने, क्योंकि वो कभी भी अपनी जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट की पिचेस में हम कभी बॉल को डेक पे मारते नहीं है, उसका रीजन ये है कि उनको बाउंस नहीं मिलता। वो इसी तरह कल अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने आके बॉल को डेक पे मारा है, जिसकी वजह से गेंद जो है वो वेस्ट हाइट चेस्ट हाइट के ऊपर बॉलें गई हैं, और अगर आप उसको आउट होते हुए देखें जो राहुल आउट हुए हैं ऑलमोस्ट उसकी चेस्ट हाइट के ऊपर बॉल थी और उसको खेलने गए और वो कॉर्ड बेंड हुए। इस किस्म की बॉलिंग जो है वो इंडिया के पास नहीं थी। इंडिया अपने स्पिनर एक ही स्पिनर है, वो आपको पता है कि उसने अभी तो कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, तो जितने भी बॉलर चाहे अर्शदीप हो या शामी हो ये आगे आगे से बॉल करने वाले प्लेयर्स हैं, तो इसलिए इंग्लैंड कल फ्रंट फुट के ऊपर आप देखेंगे जो भी है बहुत ज़बरदस्त खेले, इसमें कोई शक नहीं है। और जो फ्रेशनेस थी पिच की उसका फ़ायदा इंग्लैंड के बॉलर्स ने उठाया। देखें जब आप टॉस जीतते हैं तो टॉस जीत के जो आप फैसला करते हैं ना वो फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर अंदर उसका आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर आपने बॉलिंग करने का फैसला किया है तो 6 ओवर्स के अंदर आपको विकेट्स भी लेने और रन्स भी कम देने हैं, और इसी तरह अगर आप पहले बैटिंग लेते हैं तो 6 ओवर में आपने 50-60 रन्स लगाने और एक आध विकेट गिरानी है। So, इस चीज में मैं ये फील करता हूँ कि जैसे बदी ने कहा इंग्लैंड ने इन दोनों सूरतों को बहुत अच्छे तरीके से निभाया, प्लस आई थिंक इंग्लैंड की फील्डिंग बहुत शार्प थी। और जो सबसे अच्छी चीज जो इंग्लैंड ने की, आप देखिए वो जो डायमेंशंस की हम बात कर रहे थे, उन्होंने उसका कितना जबरदस्त फायदा उठाया। जो भी स्ट्रोक हेल्स ने खेला, जो भी लेग साइड पे खेला हो या ऑफ साइड पे खेला हो, वो ग्राउंड से बाहर ही गए, क्योंकि 60 यार्ड। सो मेरे अपने नजदीक बड़ी अच्छी कैलकुलेटिव उन्होंने कल ओवरऑल पूरे मैच को खेला। इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम जो है ना T20 की बहुत स्ट्रांग टीम है, अगर वो कल पाकिस्तान के या जो भी आएगी मध्य मुकाबले फाइनल में परसों, सो मेरे अपने नज़दीक कॉन्टेस्ट अच्छा होगा, लेकिन एज डेफिनेटली जो ऑलराउंड एबिलिटी देखे ना, इंडिया की बैटिंग थिन है, वेयर एज अगर आप देखें कि 7-8 नंबर के ऊपर जाके भी उनकी जो है बैटिंग अच्छी है इंग्लैंड की। कल रिजर्व करते थे जीतना, यकीन उन्होंने जीत कर दिखाया भी, इंडिया को हर शोबे में आउटक्लास किया गो के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अब फाइनल में देखते हैं कि क्या होता है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई सी यू अगेन। प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इतवार के दिन वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ इसको ड्रॉ कर रहे हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क तो एक ये है कि वो 20 ओवर का, ये 20 ओवर का वर्ल्ड कप है, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, ये बड़ा डिफरेंस है कि नहीं है? डेफिनेटली ये तो है, लेकिन एक्चुअली वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान 92 के वर्ल्ड कप में आउट ऑफ नोवेयर आई थी, वो सिमिलैरिटी तो है ना कि हाँ। पाकिस्तान का कोई चांस नहीं था, पाकिस्तान अगर कभी भी इस टूर्नामेंट हाँ। के अंदर इतना बुरा नहीं खेली जितना 92 तो में खेली, इसलिए उसको वो 72 रन पे आउट हो गए इंग्लैंड से। आई नो नहीं यहाँ भी तो कोई इतना अच्छा है, तो जिम्बाब्वे से हारना तो ऑब्वियसली हाँ। कोई, लेकिन नेक टू नेक ही हारे ना, 72 रन करके तो नहीं हारे ना। लेकिन ये तो कभी कभी आप सिर्फ इन टर्म्स ऑफ यू नो स्टैट्स के ऊपर बात ना करें, लेकिन जो खेलने का अंदाज था वो तकरीबन मैं फील करता हूं वही था। So, मेरे अपने नज़दीक इस वक्त हमें पाकिस्तान का तो यही सोचना चाहिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान संडे को भी इसी जज्बे के साथ आएगा, और जिस तरीके से वो खेल रहा है कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि अपना फोकस वही रखें। मुझे एक चीज़ याद आई, इससे पहले बदी के जाने में जाऊँ,
इमरान खान साहब का कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि बाबर आजम को मैंने सिर्फ 2 मरतबा खेलते हुए देखा और उसके बाद मैंने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि इस लड़के को कप्तान बनाओ। ये बात ठीक है, आप मैं तो आप थे नहीं, लेकिन फिर भी आई होप कि, लेकिन देखिए अल्टीमेटली आप देख लें कि जो बाबर की परफॉर्मेंसेज हो रही थी उसके अलावा तो किसी और को चांस इसलिए नहीं बन रहा था कि क्योंकि सबसे पहले कैप्टन के लिए क्या चीज़ होती है, एक तो उसकी जो जगह है टीम में वो ऑटोमेटिक हो, यानी ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए कैप्टन, ये ना हो कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा और उसके बाद आपने कैसे नॉन परफॉर्मिंग बैट्समैन को या बॉलर को आपने कप्तान बना दिया। तो यहाँ पर बाबर के लिए तो ये चीज़ें सारी थी कि वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा था, नंबर वन बैट्समैन हो चुका था दुनिया भर में, और इस वक्त जो लॉर्ड था वो सारे यंग प्लेयर्स थे, आपके जो सीनियर स्टॉलवर्ट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो रहे थे, तो इसके लिए एक ऐसे ही बंदा चाहिए था जो कि बाबर आजम की शेप में आपको मिल रहा था, आपने उसको बना दिया। ठीक है, ये लर्निंग का वो होता है, हर कैप्टन अपने आप को जो है ना आने के बाद एकदम से बनवा नहीं सकता, और उसको सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कैप्टन का सक्सेस का राज ये होता है कि उसके जो बाकी जो चार्जेस हैं ना वो पूरी तरह उसको सपोर्ट कर रहे हो। आई थिंक बाबर इज़ लकी कि उसको तमाम के तमाम टीम के जो प्लेयर्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं और वो ऑल आउट जाते हैं। इवन आप देखें कि फील्ड में भी आप देखें कि कभी रिजवान फील्ड को सेट कर रहा होता है, कभी जी कभी नहीं, हमेशा मैं देखता हूँ कि वो पीछे से चीज़ों को सेट कर रहा होता है। इसी तरीके से आप अगर शादाब को देखें वो आके इनको एडवाइस करता है, दूसरे सीनियर प्लेयर्स एडवाइस करते हैं, इमरान खान के साथ भी यही होता था, जावेद अपनी वहाँ रहते हुए वो इमरान को बहुत हद तक गाइड करते थे कि यार फील्डिंग में इस तरह कर लो, बॉलिंग चेंजेस में ये कर लो, इस तरह कर लो। सो ये एक अच्छा पैकेज होता है कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हो जो आपकी टीम के लिए अच्छा करने के लिए आपको आके एडवाइजेस करते हैं। आपसे भी यही सवाल है भाई, यानी कि सरफराज को तब्दील करने का इमरान खान साहब का फैसला था, पीसीबी का नहीं था? देखिए इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा तो था कि बाबर आजम कप्तान है, लेकिन एक बात उन्होंने और भी की थी जब टीम मिलने के लिए गई थी, उनका उस वक्त बातें चली थी कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए, तो उन्होंने कहा जी फास्ट बॉलर भी जो है वो अच्छा कप्तान बन सकता है, क्योंकि फास्ट बॉलर जो होता है वो बैट्समैन को भी देख रहा होता है, बॉलर्स को भी देख रहा होता है, उसको सारी चीज़ों का आइडिया होता है, और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम लिया था। तो मेरे ख्याल में देख बाबर को इस वजह से कप्तान बनाया गया कि उसकी तीनों फॉर्मेट में जो बैटिंग थी वो सबसे ज़्यादा फ़र्क था तमाम खिलाड़ियों में। जाहिर है जो लड़का परफॉर्म करेगा वही टीम का कप्तान होगा, एक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा जिसकी बैटिंग नहीं उससे हो रही या बॉलिंग नहीं हो रही तो जाहिर है उसको कप्तान बनाएंगे तो बहुत सारे इतराजात भी आते हैं। अच्छा, दूसरा कहना चाह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि वर्ल्ड कप वो जो हम बात कर रहे हैं 1992 वाली, तो 1992 में अब बातें लोग ये कर रहे हैं जी कि 1992 में ऑस्ट्रेलिया जो था वो जो है वो पहले ही राउंड में बाहर हो गया था, इस बार बहुत भी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, सही है, मैं उस वक्त भी यंग था, आज भी यंग हूं, सही है वही में, तो 1900 जो है इस बार भी वो सुपर 12 के मरने में नहीं पहुंच सका, ये बातें हो रही है। पाकिस्तान ने पहला मैच मेलबर्न में खेला था और दूसरा पाकिस्तान भारत से हारा था, वेस्ट इंडीज से शायद पहला मैच खेला था, मेलबर्न में खेला था, हार गया था पाकिस्तान, मेलबर्न में खेला था और पाकिस्तान मैच हार गया था, और भारत से भी मैच पाकिस्तान जो है वो उस वक्त हार गया था। फिर बहुत सारी और भी बातें हुई हैं कि जी यहाँ पर मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने जो 3 मैचेस थे लगातार इमरान खान की क्यादत में जीत कर पाकिस्तान टीम जो है वापस उसमें आई थी, सेमीफाइनल पहुंची थी, और इसमें भी ये हुआ कि लगातार 3 मैचेस जीतने के बाद जो है वो पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल में आए, तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन तारीख कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दोहरा रहे होते हैं, कभी कभी तारीख बदल भी जाती है, तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान टीम जीत जाती है वर्ल्ड कप, सबकी ख्वाहिश भी है जीत जाए, तो फिर ये तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अब सुनील गावस्कर वो मैं कल सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि मैं भी 1948 में जो है बाबर आजम को विजय आजम देखना चाहता हूँ, बहुत सुनील गावस्कर कह रहे हैं। तो अब ये देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए 1992 की कहानी को लेकर। सुनील गावस्कर का नाम लिया, आई थिंक सुनील गावस्कर वाहिद बंदा था उस वक्त, वो कॉमेंटेटर मतलब वो पैनल पे किसी जगह पर एक्सपर्ट कॉमेंट्स दे रहा था, उसने आखिर वक्त तक 92 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रूल आउट नहीं किया था, वो वाहिद बंदा था जो कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास अब भी चांसेस हैं। अभी कल नासिर ने जो अपना इंटरव्यू दिया उसने कहा है कि यू नो मुझसे पाकिस्तान की बात मत करो, यू नो पाकिस्तान जो है वो कुछ भी कर सकता है। सो जो इस किस्म की टीम में आपको बता नहीं क्यों पाकिस्तान हावी हो जाता है, बिकॉज गैर यकीन सूरत हाल से निकल के पाकिस्तान ऐसी जगह पे इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देता है कि अगले सब नाकेदीन को वो हैरान कर देते हैं। तेरे एक दिलचस्प बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अलग है थोड़ी सी, दोनों से पूछूंगा। आपने गावस्कर का नाम लिया, आपने नासिर हुसैन का नाम लिया, हम जब भी एनालिसिस की बात करते हैं तो पाकिस्तानी किसी एक्स प्लेयर को इतना ज़्यादा रेट नहीं किया जाता, इसकी वजह क्या? तकलीफ दे बात है,
लेकिन देखिए एक तो वजह यह है कि मैं ये फील करता हूँ ऑब्वियसली किसी के लिए कोई मैं नो ऑफेंस टू ऑल, जो डीप थिंकर्स होते हैं ना, जो रीड को जो गेम को रीड करने वाले हैं, प्रॉब्ली हमारी जो ऑब्जर्वेशन है या हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो ऑब्वियसली यू नो कोई बहुत बड़ा ग्रेट बॉलर है, कोई बहुत बड़ा ग्रेट बैट्समैन है, लेकिन एज सच थिंकर ऑफ द गेम आप दुनिया के दूसरे तमाम जितने भी ममालिक के लोग हैं उनसे आप क्रिकेट की जो इन्स एंड आउट्स के ऊपर बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यू नो दे टॉक सेंस और वो सिचुएशन को रीड करके बता देते हैं। आई थिंक इस पूरे उसमें अगर मैं देखूँ तो आई थिंक मिसबा वॉज वन जिसने हमेशा से इफ्तिखार को और सॉरी इफ्तिखार को भी एंड देन रिजवान एंड बाबर को वो आखिर वक्त तक सपोर्ट ही करते रहे। हम मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हम रिएक्ट करते हैं परफॉर्मेंसेस के ऊपर, वेयर एज हमको ओवरऑल जब हम जांचने की कोशिश करते हैं तो हमें दोनों टीमों को वे करके अच्छे और बुरे पॉइंट्स दोनों के बताने चाहिए। ऑन द डे जो अच्छे पॉइंट्स पे अपना खेलेगा वो जीतेगा। सो पाकिस्तान ने अगर जो बुरा खेला उसके बाद तो सारी चीज़ें वो बेहतर करते चले गए, तो आई होप कि वो इसको कंटिन्यू करें। एक मैच है, डू एंड डाई सिचुएशन है दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमें इसमें ऑल आउट ही जाएंगी ना दोनों के लिए। बहुत आपका क्या ये जो मैंने सवाल किया इस पर आपका क्या तजुर्बा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आसिफ भाई, होता ये है कि हमारे जो जितने भी साबिक क्रिकेटर हैं या तजियाकार हैं वो एकदम से जो है ना वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, लेकिन इंडियन को मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इंडियन को कि वो जो है वो इस तरह की नहीं, इंडियन ही नहीं, इंडियन नहीं किसी नेशनलिटी को नहीं, इंग्लिश भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, मैंने जिनको सुना पाकिस्तानी का किसी का नाम नहीं आता टॉप पे, ये मेरी तकलीफ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने सुनील गावस्कर को मैंने सुना, फिर मैंने कपिल देव को भी सुना और फिर मैंने सौरभ गांगुली को भी सुना, वो टीम पे तनकीद जरूर करते हैं लेकिन उनके जो पहलू होते हैं उसको बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए था, हमें ये नहीं किया, लेकिन ये नहीं है कि एकदम उसको उड़ा के रख दो और ये कर दो। उनके शायकीन बड़े वो हैं, जज्बाती हैं वो, तो अल्लाह ना करे ऐसा हमारे यहाँ हो, वो तो कालम गलोच भी उतर आते हैं, लेकिन ऐसा उनकी जो क्रिकेटर्स हैं या तजियाकार हैं उसमें ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसा जो है होना चाहिए, पाकिस्तान के नाम भी आना चाहिए। जो बात कर रहे हैं पाकिस्तानी भी इतने ही डेंजरस। हाँ ये इस पे बात हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ऑन। पाकिस्तान क्रिकेट पर हम बात करें, इंडिया का जो कल मैच हुआ उस पर भी हम बात करें। अभी हमें ज्वाइन किया है राइट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विक्रांत गुप्ता ने, किसी तारुफ कराने की मुझे लंबा ज़रूरत नहीं है, इंडिया के एक बहुत बड़े साफ़ी हैं। विक्रांत हाउ आर यू डूइंग, आई होप यू आर गुड। जी जी बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा विक्रांत, आप लोगों को एडवांस में कहते हैं ना बेस्ट विशेस फाइनल के लिए। चले बहुत बहुत शुक्रिया, बस आपका वक्त मैं ज़्यादा नहीं लूंगा क्योंकि यू गॉट टू कैच अ फ्लाइट एज वेल। क्या हुआ कल के मैच में, अगर आप उसको समराइज करें तो इंडिया कहां पर मार खाया? इंडिया के देखिए दो तीन चीजें हैं, एक तो T20 हम नहीं खेलते हैं उस अंदाज से, ये को आज थोड़ी पता चले, ये तो पिछले साल के एक साल हम कहते हैं ना कि उस सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। दुनिया जिसका T20 खेलती है, इंग्लैंड खेलती है, ऑस्ट्रेलिया खेलती है, न्यूजीलैंड खेलती है, पाकिस्तान का मैं कहूंगा कि हम और आप आपकी टीम में फर्क इतना था कि आपके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और इंडिया के बॉलर्स ने बॉल नहीं डाला, लेकिन हमारी और आपकी बैटिंग तो तकरीबन एक ही गिनती में चलती है, वो 20 रन हम पीछे रहते हैं जिस तरह से ये दुनिया क्रिकेट खेलती है। तो आई थिंक हमने सच एक्सेप्ट नहीं किया, हमें कुछ दो तीन फ्रेश चेहरों को अंदर डालना चाहिए था, हमने डाला नहीं। अब जो टीम एक सेमीफाइनल खेल रही हो कंपैरेटिवली छोटी ग्राउंड में, बैटिंग कंडीशंस में लेग स्पिनर बॉल कर रहे हैं और इंडिया के अगर 10 ओवर में 62 for 1 तो आप इसको क्या कहेंगे, तब जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आपके 10 ओवर में 4 विकेट गिर गई थी तो 62 है, अगर एक विकेट आपकी गिरी है और अच्छी बैटिंग कंडीशन है विराट और रोहित तो आपको T20 तो बहुत सही है ना। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में यही चल रहा कि पहले 10, 12, 13, 14 ओवर आराम से खेलो, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलो और सूर्य तू आके रन बना आते तू आके रन बना देना एक मैच में आपके खिलाफ पाकिस्तान चार चार रन बना देना है।
हारून रशीद साहब मेरे साथ बैठे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाय विक्रांत, कैसे हो? उम्मीद है ठीक हो गए। मुझे थोड़ा सा ये पता करना था, मुझे सिर्फ ये देखना था कि कुछ मैं देख रहा था पिछले एक साल से बहुत ज्यादा सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स, आपके पास इतना ज्यादा टैलेंट आ गया है आई थिंक कि आपकी सिलेक्शन के इश्यूज हो गए हैं। आपकी वनडे की टीम बिल्कुल डिफरेंट है, T20 बिल्कुल डिफरेंट है। आई डोंट नो कि आप इसको क्या समझते हैं कि बिकॉज सिलेक्टर्स के लिए इतना बड़ा डिलेमा है कि वो कौन से प्लेयर्स को T20 में रखें और कौन से प्लेयर्स को दूसरे फॉर्मेट्स के लिए रखें। डोंट यू थिंक कि इस किस्म का भी एक, क्योंकि अनफिट प्लेयर्स को आप लेकर आए, फॉर्म में नहीं थे वो, राहुल ने जो आपको है वो डिसअपॉइंट किया, सो डू यू थिंक कि ये वो चीजें भी है जो जिसने इफेक्ट किया? ट्राई भी किया लेकिन अब हमें पता चला कि आपने उनको देखना नहीं था, आपने जिनको ऑलरेडी डिसाइड किया था खिलाना है उनको आराम देना होता था। किसी को निगल है, कोई आउट ऑफ फॉर्म है, वो बाईपास करके उसको वर्ल्ड कप खेलना है, तो आपने क्या किया? आज इसको खिला दिया, कल उसको खिला दिया, परसों उसको खिला दिया। लेकिन उनमें से कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको वर्ल्ड कप में लेकर आए, जिनको नहीं लेकर आए? इनफैक्ट इंडिया T20 में पीछे गया है, आगे नहीं गया जी। ये दिक्कत है, शायद वनडे में हमारी टीम थोड़ी T20 से बेहतर है, और T20 में हमारे नतीजे आप देखिए बहुत अच्छे नहीं रहे पिछले 5-7 साल में। वो उसकी वजह ये रही है कि हमारी टीम T20 वनडे की एक्सटेंशन की तरह खेलती है, जैसे वनडे क्रिकेट खेलेंगे वैसे आप T20 क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, आप चौका मारते हैं आदिल रशीद को, उसके बाद सिंगल देखते हैं, कहीं ना कहीं T20 में आप बटलर की बैटिंग देखें, एलेक्स हेल्स की बैटिंग करें या कई और इस तरह के प्लेयरों की बैटिंग देखें। जब वो एक छक्का मारता है वो ये नहीं कहता कि मैं 4 सिंगल लूंगा, 1 डॉट खेल दूंगा, वो कहता है एक छक्का मारा ना, एक और दे के देखता हूँ उसको। अच्छा, एक और दे के देखता हूँ, मैं इस बॉलर को इस ओवर में तब तोड़ दूं कि सामने वाली टीम नीचे लग जाए, मैं इस ओवर में 20 रन ले लूं। लेकिन इंडिया वो नहीं करता है, इंडिया वो 20 रन के लिए नहीं जाता है। तो ये मुझे लगता है कि आपने प्लेयरों को ट्राई तो कर लिया, आपने इतने सारे प्लेयरों को हिंदुस्तान की टीम में खिला भी दिया, उनको T20 का सपना भी दिखा दिया, पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था। और आज शायद मैं हाइंडसाइट में बात कर रहा हूँ, लोग कहेंगे, पर मैंने हाइंडसाइट में नहीं, मैंने ये पहले भी कहा था, मैंने पिछले साल वर्ल्ड कप हारने के बाद कहा था, मैंने आईपीएल के दौरान कहा था। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल दिनेश कार्तिक बड़े अच्छे प्लेयर थे, बट आपने 19 वर्ल्ड कप के बाद उनको तो रिजेक्ट कर दिया था अचानक से, उन्होंने आईपीएल में वो रन बना दिए 5-6 मैचों में। और आईपीएल में हम जाते हैं, दो अच्छे इंटरनेशनल बॉलर होते हैं, दो अच्छे नेशनल बॉलर होते हैं, और एक आपको डोमेस्टिक हल्का बॉलर मिलता है। चलिए छोटी ग्राउंड, आप बाउंड्री अंदर ले आते हैं। आपने क्या किया, 4 आईपीएल के मैचों की बिना पर दिनेश कार्तिक को कह दिया कि ये वर्ल्ड कप में हमारे की फिनिशर। अगर वो इतने बड़े थे तो 2019 के बाद आपने क्यों रिजेक्ट? क्योंकि एक और चीज विक्रम, एक और चीज जो मुझे, सॉरी टू कट यू, आपने T20 में ऋषभ पंत की पूंछ में भी दिनेश कार्तिक को लगा दिया। अब ऋषभ पंत कभी 6 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी तुम ओपन कर, तो ना आप इधर के रहे ना आप उधर के। और एक और चीज विक्रांत जो मुझे नजर आई वो ये थी कि अश्विन को इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग किया गया, वेयर एज आप देख रहे थे कि लेग स्पिनर जो थे वो कामयाब रहे हैं इस पूरे कॉम्पिटिशन में। इसी के साथ विक्रांत भाई बात कर रहा हूँ, एक मिनट विक्रांत भाई, इसी के साथ ऐड कर लीजिएगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी से मुतालिक आप क्या कहते हैं, क्या उन्होंने इस वर्ल्ड कप में पूर्व कप्तानी की, क्या आप समझते हैं कि अब इंडियन कप्तान को भी जो है वो चेंज हो जाना चाहिए या उनकी मैनेजमेंट जो है इस पर भी कोई बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं? नहीं, फैसला तो मुझे नहीं पता। और वैसे भी देखिए ये तय था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतता भी, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता, चैंपियन हो जाता, तो भी शायद हो सकता है कि इसके बाद रोहित कुछ और सीनियर प्लेयर्स इंक्लूडिंग मे बी विराट या बाकियों को T20 को डिसाइड कर लेते कि बस हमें नहीं खेलना। बिकॉज आपको अगर प्रिपरेशन करनी है 2 साल बाद वर्ल्ड T20 में, तो शायद ये प्लेयर की आपको जरूरत नहीं उस वक्त। बट देखिए अब बात रोहित की फॉर्म की भी है, रोहित को मैंने कभी इतना स्ट्रगल करते नहीं देखा, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अच्छा, कल को ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं आउट होने की भी कोशिश कर रहा हूं, मतलब मेरे से रन नहीं बन रहे हैं। मैंने रोहित को कभी, ये ठीक है रोहित का टच कभी नहीं गया, वो आउट हो गए या उन्होंने रन बना दिए, वो सब चलता था। जहां तक आप फैसलों की बात करते हैं वो तो सिलेक्टर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ पर मैं तो सवाल करूंगा। वो कोच है, वो जो बैटिंग करते थे, जब वो क्रिकेट खेलते थे, हम उनकी वर्ल्ड एथिक्स की बात करते थे, आप लोगों ने भी उनको देखा, वो दिन में 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते थे। मुझे ये भी समझ आया इंडियन टीम ये पूरा साल वर्कलोड मैनेजमेंट और ऑप्शनल ट्रेनिंग, ये दो क्या ड्रामे हैं। बिकॉज आप ऑप्शनल ट्रेनिंग करते रहते हैं, प्लेयर आते नहीं, और जब बड़ा मैच आता है तो फिर आप कहते हो या हो यार मेरी फॉर्म नहीं है। तो राहुल द्रविड़ तब गलत थे जब वो खुद इतनी प्रैक्टिस करते थे, या एज कोच अब गलत है जब वो खिलाड़ी को अलाउ कर देते हैं? मुझे लगता है कि शायद टू एन एक्सटेंड ना, जब बड़े प्लेयर्स को आप प्रीमा डोनास बना देते हैं और आप उनको तय करने देते हैं अपनी तकदीर कि मैं यार एक और वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ,
मैं यार इस नंबर पर बैठे क्या करूंगा, मैं यार दो दिन आज प्रैक्टिस नहीं करूंगा। आई थिंक वहां पर दिक्कत आई है। मैंने इंग्लैंड को देखा और चूंकि आपकी टीम इंग्लैंड को फाइनल में खेल रही है, इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट नहीं खेला, बट जिस दिन मैटर किया है उन्होंने वो जबरदस्त क्रिकेट खेल के दिखाई है। पाकिस्तान को भी आसान नहीं होगा क्योंकि बटलर एलेक्स हेल्स ने रन नहीं चेज किए, उन्होंने अपने अंदाज से बैटिंग की। तो मैंने इंग्लैंड को दो दिन देखा, इंग्लैंड की टीम दो दिन पूरी थी आई है प्रैक्टिस करने। इनफैक्ट डेविड मलहन का फिटनेस टेस्ट हो रहा है, मार्क वुड का फिटनेस टेस्ट हो रहा है, उनके फास्ट बॉलर्स नेट में प्रॉपर बॉल डाल रहे हैं। यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मुझे ये चौक खाने वाली बात तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि मैं तो पिछले 12-13 महीने से इस चीज से यूज टू हो गया था कि सीनियर प्लेयर्स ना डिसाइड कर लेते हैं बस क्या हमने ये करना है। और आपने अश्विन की बात की थी, ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि लेग स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, आपके शादाब खान हीरो है, यहाँ आदिल रशीद को हमने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन बनाए हैं, लेकिन युजवेंद्र चहल सारा साल बॉल डालने के बाद वर्ल्ड कप में पता नहीं उनको क्या टीम को दिक्कत है, उनको नहीं कंसिडर करते। तो फिर बात वही आ जाती है ना, जो सड़क पर क्रिकेट समझता है वो अगर कह रहा है कि यार विकेट ऐसी होगी, कंडीशन ऐसी होंगी, लेग स्पिनर का ये फॉर्मेट है, सड़क पर खेलने वाले को क्रिकेट अगर अलग दिखती है और टीम के अंदर इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को क्रिकेट अलग दिखती है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। चले विक्रांत, थैंक यू वेरी मच विक्रांत, आपने ज्वाइन इन किया, आप हैव अ सेफ फ्लाइट, आपसे फिर बात होगी, बहुत शुक्रिया। मेरा गला बैठ गया सुन सुन के, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया। आई थिंक बिल्कुल ये फैक्ट है। देखिए मैं यही हमेशा से कहता हूँ कि जब आपको बहुत ज़्यादा इतना उनको आप क्रिकेट पैराफर्नेलिया देखें कि कितना उनका फैला हुआ है, आईपीएल की धूमधाम है हर जगह के ऊपर, जी की सारी दुनिया की टीम जो है प्लेयर्स जो है वो आके खेलते हैं, आप देखेंगे फ़ायदा इसमें किसको हो रहा है। यू नो आईपीएल इनफैक्ट इंडिया को फ़ायदा देने के बजाय आपके फॉरेन प्लेयर्स को फ़ायदा दे रही है, क्योंकि वहाँ आके वो उनकी सब कॉन्टिनेंट की पिचेस भी खेल जाते हैं, उनके प्लेयर्स को पहचान भी लेते हैं, और जब वो जाके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में उनका मुकाबला करते हैं तो वो पूरी तरह तैयार होते हैं उनके लिए। चले भाई, अब हमारा प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने काफ़ी बातें आज भी की और हम कल भी हाज़िर होंगे आपके सामने, और आज रात को भी स्पोर्ट्स वन आप देख सकेंगे 11 बजे, उसमें भी बहुत कुछ हम करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, आगे फाइनल में पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं उस हवाले से। विक्रांत गुप्ता का खास तौर पे शुक्रिया कि उन्होंने मेलबर्न जाते हुए फ्लाइट के दौरान ही हमसे एयरपोर्ट पर बात की, बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता, और आपसे कल मिलेंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।